आप कौन है देवी? मैं राक्षसी शूर्पनखा हूँ। मुझे अपने लिए एक वर की खोज है, क्या तुम मेरे विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करोगे? मुझे खेद है देवी कि मैं आपका यह प्रस्ताव स्वीकार करने में असमर्थ हूं। क्यों, क्या तुम भी अकेले नहीं हो? हूं भी और नहीं भी। अर्थात? नहीं इसलिए देवी कि मेरी एक धर्म पत्नी है, और हूं इसलिए इस समय वो मेरे साथ नहीं है। ये तो बहुत अच्छा हुआ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारा अकेलेपन मिटाऊंगी। मुझे खेद है देवी, किंतु ये संभव नहीं है। क्यों, क्यों संभव नहीं है? वो इसलिए कि मैं यहां अपने भ्राता श्री का सेवक बनकर आया हूं, और एक सेवक को ये अधिकार नहीं है कि वो अपने अतिरिक्त एक और सेविका का बोझ अपने स्वामी के कंधों पर डाले। आर्य पुत्र, समझी थी कि इसकी पत्नी कोई साधारण नारी होगी, परंतु ये तो अत्यंत सुंदर मानवी है। अब समझी इसने मेरी विवाह का प्रस्ताव स्वीकार क्यों नहीं किया। भला ऐसी रूपवती को छोड़कर कोई पुरुष किसी दूसरी नारी की ओर क्यों देखेगा? पहले मैं इसे कुर्क किए देती हूं, फिर इसे मेरा प्रस्ताव मानना ही पड़ेगा। किया तूने, मेरी नाक काट दी, मुझे कुरूप बना दिया। ये देख, राक्षसों के क्रोध को निमंत्रण दिया है। मैं अपने भ्राता खर, दूषण, त्रिशरा तीनों को लेकर आती हूँ, वे तुम दोनों का वध कर देंगे, और राम को मेरा होना होगा, मेरा होना होगा। अब ये दुष्टा अपने भाइयों को लेकर आएगी, हम पर आक्रमण होगा। अनुज, लक्ष्मण, तुम सीता को लेकर किसी कंदरा में छुप जाओ, मैं नहीं चाहता कि जनक नंदिनी रक्तपात देखे। राधाश्री, आप भाभी श्री को अपने साथ ले जाइए, इन राक्षसों को तो
मैं देख लूंगा। नहीं अनुज, ये मेरी मर्यादा के विरुद्ध है, तुम जाओ। किंतु भ्राताश्री। ये मेरा आदेश है अनुज। जो आज्ञा भ्राताश्री। आइए भाभी श्री। मुझे तो यह सोचकर भी लज्जा आती है कि मेरी बहन शूर्पणखा ने अपने पति के रूप में चुना भी तो किसे, एक तुच्छ मानव को। सहमत हूं मैं तुमसे। भ्राता रावण जब सुनेंगे कि शूर्पणखा ने पति के रूप में एक मानव को चुना है तो उनके क्रोध की कोई सीमा नहीं होगी। मैं तो कहता हूं कि शूर्पणखा ने मानव को चुनकर हम राक्षसों की नाक काट दी है। भ्राता खर, भ्राता त्रिशरा, भ्राता दूषण। बहन शूर्पणखा। भ्राता खर। ये क्या हुआ, तुम्हारी यह दुर्दशा किसने की? नाक काट दी, उसने मेरी नाक काट दी। किसने? उसने जिसने हमारे राक्षस भाइयों को मारा था? नहीं, उसने नहीं, उसने नहीं, उसके अनुज लक्ष्मण ने। लक्ष्मण? हाँ, लक्ष्मण ने, जिसने हमारे राक्षसों को मारा। उसका नाम तो राम है, उसकी एक पत्नी भी है। हम तीनों उनका वध कर तुम्हारा प्रतिशोध लेंगे बहन शूर्पणखा। नहीं नहीं, तीनों नहीं, राम मेरा प्रेम है। तुम बस चलकर उसके अनुज अस्त्री का वध कर दो, राम मेरा हो जाएगा, उसे तनिक भी क्षति ना पहुंचाना। चलो प्राताखर, चलो चलो। ठहरो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, राम को तनिक भी क्षति ना पहुंचने दूंगी। चलो। मेरा मन हर लिया है, जिसका प्रेम मेरे रोम रोम में बस गया है। बहन शूर्पणखा, मैं तुम्हारे चुनाव की प्रशंसा किए बगैर नहीं रह सकता। मैं भी अपने विचार बदलने पे विवश हो चुका हूं। सत्य ही मानव में श्रेष्ठ है। नहीं राम, हम यहाँ किसी प्रकार का कोई युद्ध करने नहीं आए हैं। बस तुम अपना अनुज और अपनी पत्नी हमें दे दो, हम उनका वध कर देंगे और तनिक भी तुम्हें क्षति नहीं पहुंचाएंगे। फिर तुम हमारी बहन शूर्पणखा से विवाह रचा लेना। समस्या ये है कि तुम मानव नहीं हो, राक्षस हो, मानव संस्कारों से पूर्ण रूप से अनभिज्ञ। यदि कोई मानव स्वयं के प्राण बचाने के लिए अपने अनुज और अपनी पत्नी के प्राणों की आहुति दे दे तो धिक्कार है ऐसे मानव पर। ऐसा मानव मानवता का अपमान करेगा। अपने अनुजों और स्त्रियों की रक्षा करना ही मानव का धर्म होता है। किंतु ये सारी बातें आप सब नहीं समझ पाओगे। देखो राम, हम एक बार फिर तुमसे कहते हैं कि हम अपनी बहन के लिए तुम्हें किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचाना चाहते। यदि तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हें पराजित करके बंदी बना लेंगे। जो कह रहे हो यदि कर सकते हो तो वो भी करके देख लो। आगे बढ़ो और बंदी बना लो इसे। राजा खर और दूसर को इससे निपटने दो, मैं चलकर देखता हूं।
इसका अनुज और पत्नी कहाँ है? इसने मेरी बहन सुर्पणखा की नाक काटी, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। लक्ष्मण? कुछ नहीं भाभी श्री, भय और चिंता की कोई बात नहीं है। गुरुदेव विश्वामित्र की कृपा से मैंने एक राक्षस का वध कर दिया है। नारी पर हाथ नहीं उठाता देवी,
यह मेरी मर्यादा के विरुद्ध है, मेरी विवशता है। और मेरी विवशता यह है कि मैं तुम्हारी प्रेम बंदिनी हूँ। तुम्हें क्षति पहुंचते मैं देख भी नहीं सकती, किंतु तुम्हें इतना बता दूं कि अब तक मेरा भाई त्रिश्रा तुम्हारे अनुज और तुम्हारी पत्नी को हम दोनों के बीच से हटा चुका होगा, और अब तुम्हारे समक्ष मुझे अपनाने के अतिरिक्त कोई राह नहीं रह जाएगी। देवी, मैं आपसे ये कहने आया हूं कि जाकर अपने भ्राता के शव के अंतिम दर्शन कर लीजिए। क्या, वो भी मारा गया? यूं नहीं मानोगे तुम लोग, मुझे अपने भ्राता रावण की सहायता लेनी पड़ेगी। ये जान लो राम, जब तक मैं तुम्हें अपना न बना लूंगी, न तुम्हें चैन से जीने दूंगी, न मैं चैन से रहूंगी। जानकी, भोजन अभी ठंडा नहीं हुआ होगा? आइए आइए भविष्य। जीव ज्ञान ब्रह्म ज्ञान अथ श्री विष्णु पुराण, ओम की कथा महान, जय श्री विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, विष्णु जाती कि मेरी बहन शूर्पनखा ने अपने पति के रूप में चुना भी तो किसे, एक तुच्छ मानव को। सहमत हूं मैं तुमसे, भ्राता रावण जब सुनेंगे कि शूर्पनखा ने पति के रूप में एक मानव को चुना है, तो उनके क्रोध की कोई सीमा नहीं होगी। मैं तो कहता हूं कि शूर्पनखा ने मानव को चुनकर हम राक्षसों की नाक काट दी है। भ्राता खर, भ्राता दूषण, भ्राता दूषण।